हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड टुडेज अवर टॉपिक इज एवरेज। अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हर बार एक दो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ ही जाते हैं। लास्ट ईयर आपके 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एवरेज। ओके, सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज। तो अगर 2015 में देखें तो 2015 के अंदर एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। 2016 से एवरेज के हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो एवरेज, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज सभी को पता होगा वैसे तो, कि अगर मैंने एवरेज फाइंड आउट करनी है देन एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है एंड यू नो द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दैट मींस यू कैन फाइंड आउट द टोटल सम। कैसे? दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ओके, बस यही सिंपल दो चीजें आपकी यूज होनी है। अगर हमें ये पता है देन कुछ भी नहीं है एवरेज के अंदर, ठीक है ना। एवरेज अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कहिए कि ईजी है अगर हमें छोटा सा एक कंसेप्ट पता है तो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं हम कि हाँ जी, यस, ये क्वेश्चन है आपका 2016 के अंदर आया हुआ था। यस, 2016 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। कह रहे थे एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000। यस, अब यहाँ पे हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। दैट मीन्स कि 5 पर्सन है और उनकी एवरेज कितनी है, 10,000। क्लियर? फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द टोटल। कर सकते हो ना? यस, पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। कहते व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम इफ वन पर्सन इनकम रेज 1,20,000 पर ईयर। यस, आप कह रहे हैं कि टोटल 5 पर्सन है तो टोटल 5 पर्सन की मंथली इनकम कितनी होगी? टोटल इनकम, कौन सी इनकम? मंथली। यस, यहाँ पे यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मंथली इनकम। ओके, ओ 5 पर्सन फैमिली के जो 5 पर्सन हैं तो उनकी टोटल अपनी इनकम कितनी है? मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास एवरेज गिवन है देन एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना आ गया आपके पास? 50,000 आ गया। यस, क्लियर, 50,000 है। अब उसने कहा कि एक पर्सन की सैलरी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हुई है? ईयरली इंक्रीज हुई है। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझने वाला है। विल बी मंथली इनकम इफ वन पर्सनस इनकम रेज 1,20,000 पर ईयर। पर ईयर 1,20,000 है। दैट मींस कि पर मंथ कितनी इंक्रीज हुई है? अगर हम देखते हैं तो पर मंथ इंक्रीज कितनी हुई? पर मंथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ वन पर्सन, इनकम ऑफ वन पर्सन कितनी है? देखो ये पूरी 12 मंथ्स की है। ओके, तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ गया? 10,000 आ गया। यस, नाउ टोटल इनकम कितनी होगी? अब अगर एक पर्सन की बढ़ गई है तो अब टोटल इनकम कितनी होगी? भाई 50,000 पहले थी, 10,000 इंक्रीज होगी। दैट मीन्स कि टोटल 5 पर्सन की इनकम कितनी होगी? 50 + 10 = 60,000 एंड नंबर ऑफ पर्सन आर 5। दैट मीन्स कि एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट? 60,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 12,000। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट? 12,000। यस, क्लियर है? ओके, यस, हाँ जी, क्लियर। ओके, देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कह रहा है कि भाई 5 पर्सन थे, उनकी हमें एवरेज गिवन थी, एवरेज थी। दैट मींस कि वी कैन फाइंड आउट द टोटल इनकम ऑफ 5 पर्सन। नाउ इन द क्वेश्चन गिवन दैट कि एक पर्सन की ईयरली इनकम कितनी है? 1,20,000 इंक्रीज हो गई। दैट मींस कि पर मंथ कितनी इंक्रीज हुई, पहले हमने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पर मंथ कितनी इंक्रीज हुई है? 10,000। दैट मींस कि 5 पर्सन की अब
प्रेजेंटली आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 1% द टोटल इनकम इज 60,000. जब 60,000 है दैट मीन्स वट कि अब जो आपके एवरेज है, एवरेज कितनी हो गई, 60,000 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 12,000. ओके, सो 12,000 विल बी द करेक्ट आंसर. यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए क्या है. इट वॉज आस्क्ड इन 2017. ओके, यस, क्या है, द एवरेज रेनफॉल इन ए सिटी फॉर फर्स्ट 4 days वॉज रिकॉर्डेड 0.40 inches. द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वॉज रेशियो 4:3 एंड द एवरेज ऑफ 6 days वॉज 0.50 inch. वट वॉज द रेनफॉल ऑन द 5th day. अगेन गुड क्वेश्चन. देखिए टोटल 6 days है, टोटल 6 days है. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 days है. अब ये कह रहा है कि जो शुरू के 4 days है ना, 4 days की एवरेज कितनी, 0.4 inch. यस, ठीक है. और ये जो पूरा कंप्लीट है 6, इसकी एवरेज कितनी है, 0.50 inch. अगर मैं इस टोटल 6 के अंदर से इस 4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कितना, 5th एंड 6th डे का रेनफॉल आ जाएगा हमारे पास में. तो वही हम कर सकते हैं. तो अगर मैं टोटल ऑफ 4 days निकालती हूँ, यस, टोटल रेनफॉल इन फर्स्ट 4 days, अगर हम फर्स्ट 4 days का फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, 0.40 into 4, दैट मीन्स 1.60 inches. इज इट क्लियर. अगर हम टोटल निकालते हैं 6 days का, तो 6 days का देखिए कितना है आपका, 0.50 into 6, दैट मीन्स 3.0. पॉइंट में क्यों ले रहे हो, ताकि आपको थोड़ी सी इजी रहे. वैसे तो 3 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है. अब यहां से आप देख सकते हो कि जो रिमेनिंग पार्ट है, मीन्स कि 5th plus 6th day, अगर हम रेनफॉल देखते हैं तो रेनफॉल कितना आ जाएगा इसके अंदर से, मैं इसको माइनस कर दूंगी, टोटल 6 के अंदर से 4 days का अगर हम माइनस करेंगे तो 5th और 6th day का आ जाएगा. सो कितना आ गया, 3 minus 1.60, कितना आ गया, 1.40. यस, क्लियर. अब ये जो 1.40, इसने रेशियो गिवन है कि भाई जो लास्ट 2 days है उनकी रेशियो क्या है, 4:3. दैट मीन्स कि जो 5th और 6th day है इसकी रेशियो कितनी है, 4:3 है. एंड दिस 4:3 इज इक्वल टू वट, 1.40. अब यहाँ पे देखो कितना है, 4:3 इज इक्वल टू वट, 1.40. दैट मीन्स 7 इज इक्वल टू वट, दिस दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू वट, 0.2. 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0.2 आ गई. अगर ये 0.2 है दैट मीन्स कि 4 विल बी इक्वल टू वट, मल्टीप्लाई बाई 0.2, दैट मीन्स 0.80. ओके, यस, सेम वे अगर हम इसको देखते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय 0.2, कितना आ जाएगा आपके पास में, 0.60. नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको 5th day का फाइंड आउट कर रहा है, तो 5th day का कितना आ गया, 0.80. सो आंसर विल बी व्हाट, 0.80 inch. यस, क्लियर. देखिए टोटल 6 days हैं, टोटल 6 के अंदर 4 का आपके पास में एवरेज है, 4 का एवरेज है, दैट मीन्स कि यू कैन फाइंड आउट द टोटल ऑफ द 4 days. यस, देन उसके बाद आपके पास क्या है कि टोटल 6 के 6 days का भी आपके पास में एवरेज गिवन है, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द टोटल ऑफ द 6 days. अब 6 के अंदर से मैंने 4 का माइनस किया, देन आई गेट द टोटल रेनफॉल ऑफ 5th and 6th days. एंड इन द क्वेश्चन गिवन दैट द रेशियो ऑफ द 4th and 5th days इज 4:3. That means this difference is equal to what? 4:3 के अंदर इसको divide करना है. This is 4 plus 3, 7. That means 7 is equal to 1.40. That means what? कि 7 is equal to 1.40. So 1 is equal to 0.2 and 4 is equal to 0.80. ठीक है? इस तरह से भी कर सकते हो. जब भी हमारे पास में रेशियो गिवन होती है तो ऐसे ये वाली वैल्यू निकालनी है ना मैंने 5th day की. तो 5th के क्या है, 4 divided by sum total 7 into what? 1.40. ऐसे भी आप कर सकते हो इसको. So this is 0.80.
Is it clear? So answer will be 0.80 inches. Okay? So let us move to the next one. Next, देखिए क्या है? करे suppose the average weight of 9% is 50 kg. हाँ जी 2017 का क्वेश्चन है. क्या है? The average weight of 9% is 50 kg. The average weight of the first 5% is 45 kg. Whereas the average weight of last 5% is 55 kg. Okay? Then weight of the fifth person will be. कह रहा है कि जो fifth person है उसका weight कितना होगा. अब यहाँ पे हमने ध्यान से देखना है कि total कितने person है? 9% है. 9% का total हमारे पास में आ जाएगा. कितना आ गया? 9 into 50. This is 450. अब उसने कहा है कि जो first 5 है, फर्स्ट फाइव दैट मीन्स कि दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, फर्स्ट फाइव का जो एवरेज है दिस इज 45 केजी एंड लास्ट फाइव दैट मीन्स 5 के बाद 6, 7, 8 and 9. तो ये जो लास्ट फाइव है इसका कितना है टोटल एवरेज आपकी 55 केजी. ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल तो 9 है बट मुझे 5 ये 5 ये, दैट मींस कि अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 ये 5 ये, दैट मींस मुझे टोटल कितने का मिल रहा है? 10 का मिल रहा है, जिसके अंदर जो फिफ्थ है दिस इज कॉमन. दिस इज कॉमन दैट मींस कि अगर मुझे इस सारे के अंदर से मैं 9 को माइनस कर दूँ तो मुझे जो फिफ्थ वन है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, वो आ जाएगी हमारी. यस, क्लियर है ये वाला पॉइंट? बिल्कुल. तो बस कुछ भी नहीं है. तो टोटल ऑफ फर्स्ट 5 अगर हम देखें, टोटल ऑफ फर्स्ट 5, अगर फर्स्ट 5 का वेट हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 45 into 5. यस, क्लियर. तो ये कितना आ गया आपके पास में ना? अब टोटल ऑफ लास्ट 5, अगर हम लास्ट 5 का देखते हैं, देन दिस इज 55 into 5. ओके, दैट मींस टोटल ऑफ 10, 10 का टोटल जिसके अंदर 5 टू टाइम्स आ रहा है, वो कितना हो गया आपके पास में? दोनों का सम करेंगे, कितना आ गया? 500. दैट मींस जो फिफ्थ है, फिफ्थ पर्सन का वेट कितना आ जाएगा? 500 minus 540, दैट मींस 50 केजी. ओके, सो आंसर विल बी व्हाट? 50 केजी. इज इट क्लियर? क्या किया हमने कि टोटल आपके पास में 9% है, 9 की एवरेज थी, हमने 9 का निकाल लिया. उसके बाद में फर्स्ट 5 का गिवन था, उससे हमने फर्स्ट 5 का टोटल फाइंड आउट कर लिया. लास्ट 5 का एवरेज गिवन था, हमने लास्ट 5 का टोटल फाइंड आउट कर लिया. एंड द सम टोटल इज 500 एंड इन दिस 500 जो फिफ्थ पर्सन है उसका वेट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स कि अगर इसके अंदर से मैं इसको माइनस कर दूंगी तो जो रिपीटेड पर्सन है उसका आ जाएगा. रिपीटेड पर्सन कौन है? फिफ्थ पर्सन है. दैट मीन्स दिस इज द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन. यस, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2018 का है. 2018 का अगर आप लोगों ने सब किसी ने एग्जाम जो पेपर है प्रीवियस ईयर का अगर वो चेक किया हो तो सारा का सारा पिक्टोरियल टाइप पेपर आया हुआ था. दैट मींस कि जो क्वेश्चंस थे वो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर पूछे गए थे. तो जो एवरेज पे वैसे तो 2 क्वेश्चंस थे. वन वाज फ्रॉम द DI, डाटा टेबल थी, टेबल के अंदर एवरेज का क्वेश्चन था. एंड द सेकेंड क्वेश्चन वाज दिस वन. ओके, तो देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे. कह रहा है कि द एवरेज आर्ली अर्निंग पर ईयर ई of the workers in the firm are represented in the figure A and B. Yes, there are two figures, there are two graphs. क्या है जिसके अंदर आपके पास hourly income given है, ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, this is the years 2013, 14, 15, 16, 17 and this is the hourly earnings. Okay, there is a second graph. Second graph के अंदर भी आप देख सकते हो क्या है आपके पास में, 2013, 14, 15, 16, वाई एंड यहाँ पे आपके पास में क्या है, आर्ली अर्निंग. अब दोनों ग्राफ में जो अगर हम ध्यान दें तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं आपकी वो 20 से स्टार्ट की हुई है, 20, 25, 30, 35 and 40. एंड हेयर इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0. तो ये है आपके पास में 0, 10, 20, 30 and 40. यस, क्लियर, ग्राफ क्लियर हो गया. अब हम आते हैं
ऑप्शंस पे, कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर्स इट इज ऑब्जर्व दैट, कह रहा है कि इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कर लिया हमने सारा। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक बार पहले वही देखते हैं। कह रहा है 2013 के अंदर, 2013 में अगर मैं देखूँ तो आरली इनकम यहाँ पे कितनी है, 20 है। अगर हम यहाँ पे 2013 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे इसने पॉइंट ये बनाया, दैट मीन्स की कितनी है, 20, दोनों केसेस में 20 है। यस, इसी तरह से 14 के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो 30 25, दिस इज 25, ओके, एंड हेयर इट इज अगेन 25, दोनों में सेम है, ठीक है। दूसरा अगर हम 15 के अंदर आते हैं, दिस इज 30, एंड 15 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं देन दिस इज 30, ओके। देन 16 के अंदर यहाँ पे कितना आपके पास में 35, 16 के अंदर देखिए यहाँ पे कितना गिवन है 35, 17 के अंदर अगर हम देखें तो दिस इज 40, एंड हेयर इट इज अगेन 40। दैट मीन्स कि दोनों केसेस के अंदर आपके जो वैल्यूज हैं ई की वो क्या है, सेम है, सेम मिल रही है आप लोगों को। यस अब देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या है, कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ ई आर डिफरेंट, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको सारा का सारा चेक करवाया, क्या वैल्यूज सेम है, दैट मीन्स दिस इज ऑप्शन इज रॉन्ग, ओके। सेकेंड देखिए, रेंजेस आई द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ई आर डिफरेंट, कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 20, और मैक्सिमम कितनी गई है 40। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मिनिमम कितनी है 20 और मैक्सिमम कितनी गई है 40, दैट मीन्स दिस इज अगेन सेम, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज सेम, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज सेम, तो यहाँ पे देखिए जो स्लोप है, स्लोप बिल्कुल सेम है दोनों का, स्लोप सेम है, सो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। हाँ जी, अगर हम दूसरा डी ऑप्शन, अगर वैसे तो आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन, फिर भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, रेट्स ऑफ द इंक्रीज ऑफ ई इज डिफरेंट, रेट ऑफ इंक्रीज इज डिफरेंट, कहाँ पे इंक्रीज है भाई, हर साल में बराबर बराबर ही तो इंक्रीज हो रहा है, इक्वल इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स कि दिस इज अगेन रॉन्ग, सो आंसर विल बी व्हाट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, क्लियर है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं, क्या है द मीन वर्क। यस, अगर वर्ड आ जाता है आपके पास में मीन, मीन मीन्स व्हाट, एवरेज। यस, अगर मीन आया हुआ दैट मीन्स कि एवरेज की ही बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो कह रहे हैं कि द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40, 100 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स कितने थे, 40 थे। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83, कह रहे कि एक स्कोर था जो कि क्या हो गया, स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरीड एज 83 में था, एक्चुअल में क्या था वो ये, बट रॉन्गली हमने क्या उसको ले लिया 83, ये गिवन है, ओके। यस, द करेक्टेड मीन कोरस्पॉन्डिंग टू द करेक्टेड स्कोर इज, कह रहा है कि अगर करेक्ट स्कोर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एवरेज मीन कितना होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे ये आया हुआ है, और भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर रिप्लेसमेंट का केस भी हो जाता है, ठीक है ना, तो वहां पे हमने ये देखना है कि जो चेंज है वो क्या है। अब यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू क्या होनी थी, लेस होनी थी, बट हमने क्या कर लिया रॉन्गली उसको मोर इंटरप्रेट कर लिया, दैट मीन्स कि जो एक्चुअल हमारी मीन है वो क्या होगा, कम होगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो एक्चुअल मीन है वो क्या होगा, कम होगा। सेकंड पॉइंट कि कितना कम होगा, कितना कम होगा, जितना ये डिफरेंस है, डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अब यहां पे आप देख रहे हो कि डिफरेंस कितना है 30 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 100, दैट मींस दिस इज 0.3, सो द एक्चुअल मीन विल बी 0.3 लेसर देन द गिवन व्हाट, ओके। सो जो एक्चुअल करेक्टेड स्कोर होगा आपका, तो करेक्टेड स्कोर कितना हो जाएगा, दिस इज 40 माइनस 0.3, दैट मीन्स व्हाट,
39.7. सो आंसर विल बी व्हाट? 39.7. ओके, यस, क्लियर है? जब भी अगर इसी के अंदर आता कि वैल्यू हमने मिसरीड करके कम रीड करी होती, ठीक है ना, यहाँ पे हमने ज्यादा रीड कर ली, वैल्यू एक्चुअल में कम थी. अगर यहाँ पे होता कि हमने मिसरीड ज्यादा कर ली है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्चुअल में ज्यादा होती और हमने मिसरीड कम कर लिया है, इन दैट केस एड हो जाएगा आपका, ठीक है? ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 का क्वेश्चन है. यस, ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स. द एवरेज वे ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg एंड द एवरेज वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg. इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन व्हाट इज द वेट ऑफ मदर? यस, अब देखो थोड़ा सा आपने लॉजिकली सोच के चलना है. अगर हम लॉजिकली सोच के चलेंगे तो इसके अंदर आपको इवन पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर. ओके, यस, अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोच के चलते हो तो इसके अंदर पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर बन रहा है आपका. कैसे? दोनों तरीके से कराऊंगी, नो प्रॉब्लम. देखो अब यहाँ पे उसने कहा है कि दो चिल्ड्रन और मदर, दोनों का एवरेज कितना है? 50 kg है, ठीक है. सेम वे यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो चिल्ड्रन और फादर का कितना है? 52 kg है. दैट मीन्स कि 3% का अगर हम देखें, अगर 3% देखें, मीन्स टू चिल्ड्रन एंड वन इज मदर और फादर, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? यस, 150. और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 156. ओके, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड मदर इज 6. That means father's age is 6 years more than the mother's age. Okay, and father's age is already given in the question. This is 60 kg. If this is 60 kg, then यहाँ पे हमने simple अभी देखा कि हाँ जी जो mother है और father के age में कितने का difference है? 6 का difference है. 6 का difference है. तो यहाँ पे इसकी कितनी age हो जाएगी? 54 kg. Yes. So answer will be what? 54 kg आ जाएगा. हाँ जी, clear हो गया? देखिए 54 kg आ गया सभी का. कैलकुलेशन से करवा देती हूँ एक बार, वो भी देख लीजिए. हाँ जी, देखो क्या है, फैमिली के अंदर टू चिल्ड्रन प्लस मदर इज इक्वल टू व्हाट? 50 × 3. 3 क्यों लिया मैंने? क्योंकि भी दो चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ पर्सन आर 3 एंड एवरेज इज 50, सो टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? एवरेज इनटू नंबर ऑफ द पर्सन. ओके, तो कितना हो गया आपके पास? 150. डन. अब आगे गिवन है आपके पास टू चिल्ड्रन प्लस फादर, कितना है? 52 एंड अगेन देयर आर टोटल 3, सो दिस विल बी व्हाट? 156. यस, क्लियर? Now, given that the father's age is 60 years, father की age कितनी है? 60 years है. 60 years है, that means कि अगर मैं यहाँ से इसके अंदर से father की age को minus कर दूँ, then I will get the age of two children. Okay, so यहाँ पे father की age है 60. That means जो दो children हैं, उनकी age कितनी हो गई? 96. ओके, अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं हम. यहाँ पे क्या है? टू चिल्ड्रन प्लस मदर इज इक्वल टू व्हाट? 150. एंड वी नो दैट कि दिस इज 96. दैट मींस मदर की एज कितनी होगी? 150 माइनस 96. ओके, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5. ओके, सो मदर की एज कितनी आ गया आपके पास? 54. सिंपल. सो आंसर विल बी व्हाट? 54. आई थिंक इट इज क्लियर. दोनों से मैंने बता दिया, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से हम इजीली देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे चिल्ड्रन तो दोनों के अंदर ही कॉमन है ना, दोनों में ही कॉमन है. दैट मीन्स कि डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? फादर और मदर की एज की वजह से आ रहा है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस कितना है? 6 का डिफरेंस है. अब यहाँ पे फादर का 60 है, दैट मीन्स कि मदर 6 ईयर्स जो है एज मदर की वो कम है, तो कम करेंगे तो इसको सीधा डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास में 60 - 6, दैट मींस 54. यस, ओके, नेक्स्ट देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? यस, 2020 का क्वेश्चन है। 2020 के अंदर तो आपके आए थे ये आपके द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड थ्री स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। यस, क्या है क्वेश्चन? द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड थ्री स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। इफ ऑल द थ्री स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ टीचर? यस, टीचर की एज आपको बतानी। अब यहाँ पे देखो, यस, गुड क्वेश्चन है। देखो कह रहे कि जो टीचर है और क्या है, थ्री स्टूडेंट्स हैं, तो उनका टोटल आपके पास में यहाँ पे कितना है, 20 ईयर्स है। और साथ में उसने ये भी कहा है कि टीचर एंड ईच स्टूडेंट डिफरेंस इज 20। दैट मीन्स इफ टीचर्स एज, अगर हम ये मान लें कि भाई जो टीचर है, टीचर की एज एक्स है, दैट मीन्स कि वन स्टूडेंट एज विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस 20। यस, क्लियर? अब यहां पे उसने कहा है कि टीचर प्लस थ्री स्टूडेंट्स की एज कितनी होगी, इतनी इज इक्वल टू व्हाट। अब इनका एवरेज गिवन था आपका टीचर प्लस थ्री स्टूडेंट कितना है, 20। दैट मीन्स कि दिस इज 80। यस, सिंपल है ना, एक टीचर हो गया और थ्री स्टूडेंट्स, दैट मीन्स देयर आर टोटल 4 पर्सन एंड एवरेज इज 20। दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 टू गेट द टोटल ऑफ 4। ओके, सो इट इज 80। सो हम क्या करेंगे, इसको 80 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x plus 3x minus 60 is equal to what, 80। That means 4x is equal to 140, so x will be equal to what, 35। Okay, so x हमने क्या consider किया था, teacher की age consider की थी, that means teacher's age will be what, 35 years। Simple, यहाँ पे teachers और इसका डिफरेंस गिवन था ना, देखो यहाँ पे 20 गिवन था, सो वी टेक इट x माइनस 20। बिल्कुल क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, अगेन 2020 का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस थे 2020 के अंदर एवरेज बेस्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखिए, इन ए क्लास देर आर थ्री ग्रुप्स ए बी सी, इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, then what happened to the average weight of the students of the class? Yes, again logical question है, logical question है, कोई calculation नहीं है, just अगर हमारा concept clear है तो question में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल simple question था। Yes, अब देखो ध्यान से समझेंगे, A, B, C, हम मान लेते एक जो क्लास है, क्लास के अंदर तीन ग्रुप बने हुए हैं ए बी सी। ए के अंदर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बी के अंदर बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और सी के अंदर सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, दैट मीन्स क्या है कि जो अपने पास में टोटल जो एवरेज है, एवरेज कितनी होगी जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिनका जो स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखो कि चाहे तो स्टूडेंट की एज होगी, चाहे या वेट है यहाँ पे अपनी, अगर हम वेट है यहाँ पे, सॉरी, तो एवरेज अगर हम वेट की बात करें तो भाई जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, उनका सबका टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा। अब उसने क्या कहा है कि जो ग्रुप ए है, इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, ठीक है, अब यहां से एक स्टूडेंट कम हो गया, ए माइनस वन हो गया, यहां से दो स्टूडेंट कम हो गए, और यहां पे आपके पास में तीन स्टूडेंट्स बढ़ गए, ठीक है, यही कहा है। तो अब एवरेज वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो एवरेज वेट अगर अब हम इस केस में देखते हैं, तो आप ये देखो कि है तो सारे के सारे क्लास में ही, जितने भी बच्चे हैं, अगर वो क्लास से शिफ्ट होके सेम क्लास के अंदर एक ग्रुप से शिफ्ट होके दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो गए, क्या उनके वेट पे फर्क पड़ जाएगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना। दैट मीन्स कि जो टोटल वेट है ऑफ द क्लास, यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि ऑफ द टोटल क्लास, तो टोटल क्लास के अंदर चाहे बच्चा इस ग्रुप के अंदर है चाहे इसमें है, जो टोटल वेट है वो तो सभी का सम ही होएगा ना आखिर में, जब हम सबका सम करेंगे वेट का, तो ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस कि टोटल वेट विल बी सेम,
डिवाइडेड बाय व्हाट, एबीसी। तो जो एवरेज है वो दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। यस क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट विल रिमेन सेम। यस क्लियर है बिल्कुल। देखिए जो स्टूडेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो रहे हैं, जो क्लास है क्लास के अंदर तो सारे ही स्टूडेंट्स हैं, अभी भी बाद में भी उतने ही स्टूडेंट्स थे, पहले भी उतने ही स्टूडेंट्स थे, पहले भी टोटल वेट उतना ही था पूरी क्लास का, अगर हम देखें अभी भी पूरी क्लास का टोटल वेट उतना ही है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सेम। दैट मीन्स की जो एवरेज है, एवरेज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, दिस वाज अगेन आस्क्ड इन 2020। ओके देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग वाज 46.4। दैट मींस कि 50 इनिंग के अंदर कितना हो गया आपके पास में जो एवरेज है, दैट इज 46.4। ओके एंड आफ्टर 60th इनिंग द हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय 2.6। एवरेज स्कोर उसका इंक्रीज हो गया कितने से, 2.6 से। देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स, तो कह रहा है कि जो लास्ट 10 इनिंग्स है उसके अंदर एवरेज स्कोर कितना रहेगा। ओके अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम पहले 50 इनिंग्स का देखते हैं, 50 इनिंग्स का टोटल कितना होगा, ओके सो दिस विल बी व्हाट, ये हो जाएगा आपके पास, क्लियर है, ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब है आफ्टर 60th, दैट मींस कि जो 60 इनिंग्स हैं उनका टोटल स्कोर कितना होगा, अब उसने कहा इंक्रीज्ड बाय 2.6, दैट मींस कि अब पहले वैल्यू कितनी थी, 46.4 थी, अभी 2.6 इंक्रीज हो गई है, दैट मींस कि जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास में, 49 होगी। यस जो टोटल है एवरेज वो अब कितनी हो गई है, 49 हो गई है, तो ये कितना लेंगे हम इसको, 49 हो गया, एंड नाउ टोटल इनिंग्स आर 60, सो द वैल्यू विल बी व्हाट, तो ये देखिए ये 60 इनिंग्स का टोटल है, ये 50 इनिंग्स का टोटल है, दैट मींस कि जो 10 इनिंग्स है, 10 इनिंग्स का टोटल कितना आ जाएगा, दोनों के डिफरेंस के इक्वल, सो दिस माइनस दिस, ओके दिस इज 620, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट एवरेज, सो एवरेज विल बी व्हाट, 620 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 62, सो आंसर विल बी व्हाट, 62 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके यस 62 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी देखिए इसको ही हम सेकेंड मेथड से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो जो टोटल स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स है वो कितना होगा आपके पास में, तो यहां पे आप देखिए कि अभी हमारे पास में नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई है, नंबर ऑफ इनिंग्स आर 60, भाई 50 पहले थी, 10 और होगी, टोटल 60 है, दैट मींस दिस इज व्हाट, 60 इनटू इंक्रीज, इंक्रीज इज 2.6 प्लस क्या करेंगे हम, ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज कितनी थी, 46.4 एंड कितनी ऐड हुई है, सिंपल, सो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, तो ये यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू है अगेन सेम आएगी, दिस विल बी व्हाट, 6 से 12 और 3 15, यस एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 464, अगेन द वैल्यू विल बी 0, 2 एंड 6। ओके तो टोटल कितना आ गया आपके पास में, 620 टोटल आ गया, 620 टोटल आ गया, टोटल ऑफ 10 इनिंग्स, एंड इन द क्वेश्चन बट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज, तो एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास में, 620 बाई 10, दिस इज 60, सॉरी 62, सो आंसर विल बी व्हाट,
62. ओके यस क्लियर है. तो आप जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो. कैलकुलेशन दोनों में ही कम है, दोनों ही इजी मेथड है, दोनों में से कुछ भी मुश्किल नहीं है. हाँ यहाँ पे हमारा जैसे जो फॉर्मूला वो क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इंक्रीज और डिक्रीज इन द एवरेज. तो एवरेज के अंदर इंक्रीज कितना हुआ है 2.6, अगर डिक्रीज होता तो माइनस कर देते. ओके तो यहाँ पे क्या है प्लस ओल्ड एवरेज इंटू नंबर ऑफ एडेड इनिंग्स. यस क्लियर. ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 का क्वेश्चन है. यस देखिए क्या है क्वेश्चन. करेक्ट द अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डाटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबाउट टेबल. देयर इज अ टेबल गिवन. ओके अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी. ओके दिखाई दे रहे देखिए क्या है. दिस इज गर्ल, दिस इज 9, 8, 8, 7, this is 8.8. Yes, I think now it is visible to all of you. Yes, and we want to find out the value of x over here. ठीक है. And these are girls. And this is boys. And this is average. Okay. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि girls की average marks है ये English के अंदर और ये आपके हिंदी के अंदर. अब ये बॉयज के एवरेज मार्क्स है इंग्लिश के अंदर और ये है हिंदी के अंदर. एंड यहाँ पे आपके पास में एवरेज ऑफ इंग्लिश बता रहा है और यहाँ पे आपको एवरेज ऑफ हिंदी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर मैं मान लूँ कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स मेरी क्या है जी है और नंबर ऑफ बॉयज भी है क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं कितने आफ्टर ऑल. ठीक है ना. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो हम ये मान लेते हैं कि भाई गर्ल्स कितनी है जी और बॉयज कितने हैं बी. तो अब टोटल देखिए तो टोटल की जो एवरेज है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में. एन जी एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे. टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ऐसे ही फाइंड आउट करोगे ना एवरेज. तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने ले लिया जी दैट मीन्स कि टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स विल बी 9G एंड टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज विल बी 8B. अगर हम उसको डिवाइड करते हैं जी प्लस बी से देन वी विल गेट द एवरेज. एंड एवरेज आपके पास ऑलरेडी गिवन है. तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास दिस इज 9G प्लस 8B डिवाइडेड बाय गर्ल्स प्लस बॉयज. ऐसे फाइंड आउट करेंगे और ये वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है 8.8 गिवन. डन. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू देखिए अपने पास क्या आ जाएगी 9G प्लस 8B विल बी इक्वल टू व्हाट. ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस विल बी गर्ल प्लस 8 प्लस 8 बॉयज. ओके अगर मैं इसको यहाँ से लेके आती हूँ दिस विल बी 0.2 गर्ल्स विल बी इक्वल टू व्हाट 0.8 बॉयज. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा दिस इज 4. दैट मीन्स गर्ल्स टू बॉयज की आपकी रेशियो क्या आ गई 4:1. दैट मीन्स इफ there are 4 girls then 1 boy if there are 8 girls then 2 boys. ठीक है. तो यहाँ पे अपने पास में क्या रेशियो आ गई 4:1 के अंदर आ गया. यस क्लियर है. तो अब हम यहाँ से सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो हम कंसिडर कर लेते हैं भाई जो गर्ल्स है कितनी है 4 और बॉयज कितने हैं हमारे पास में 1 है. सो एवरेज ऑफ हिंदी कितनी हो जाएगी आपके पास एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ हिंदी. हाँ जी गर्ल्स 4 थी तो 8 × 4 बॉयज कितने हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय टोटल टोटल 4 + 1 = 5. सो दिस विल बी 32 + 7 डिवाइडेड बाय 5 दैट मीन्स 39/5. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40 दैट मीन्स 7.8. सो आंसर विल बी व्हाट 7.8 will be the correct answer. Okay? Yes. तो अगर आपको लगता है कि जैसे सारे क्वेश्चन जैसे हमने अभी किए हमें अच्छे से क्लियरिटी आ रही है अच्छे से समझ आ रहा है एवरेज पे हमारी अच्छी प्रैक्टिस है देन वेल एंड गुड. जो इसके साथ में ना एक टेस्ट भी मैंने अटैच किया है. ठीक है. तो आप उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट करिएगा. ओके. तो उसमें आपको और भी प्रैक्टिस हो जाएगी.
ठीक है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ जी एवरेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो एवरेज का कला एवरेज का भी माइक्रो कोर्स है जिसके अंदर थ्री वीडियोज़ हैं, ठीक है ना, थ्री वीडियोज़ हैं आपकी। और उसके साथ में हर एक वीडियो के साथ आपको पता ही है कि टेस्ट और आपके पास जो है स्टडी नोट्स वो तो अटैच होते ही हैं। तो अगर एवरेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, तो आई थिंक प्रीवियस ईयर के जो मैंने 10 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ऑल आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे देखो लेटेस्ट डिस्कस का कॉलम बना हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के हाँ जी प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए आप लोगों को, आपके डाउट्स क्लियर किए जाए, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू आर कनेक्टेड विद अभिपीडिया देन डाउट्स तो होने ही नहीं चाहिए, डाउट्स तो हमने साथ साथ क्लियर करके चलने हैं। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच।